आकाश में उड़ाए गए आकाशदीप। लोकसभा में ज्यादा से ज्यादा मतदान हो इसके लिए गुना कलेक्टर और एसपी द्वारा सभी अधिकारी कर्मचारियों के साथ ही आम नागरिकों ने लाल परेड ग्राउंड पर आकाशदीप उड़ाए और ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील भी की। मोमेंटम की आवश्यकता होगी, उसको पकड़िए, जब तक पकड़िए, देखिए वो साइड पर जल रहा है तो उसको थोड़ा सा ले जा, तो हाँ आप छोड़ सकते हैं। स्वीप जागरूकता के अंतर्गत ये अभिनव कार्यक्रम हमारे जिले ने किया। कि हमारा गुना अधिकतम प्रतिशत में वोट करेगा और हम प्रदेश में अपर नंबर पर आएंगे। आप में से सबका वोटर कार्ड है या नहीं है? हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं को मर्यादा बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। प्रोग्राम में कोशिश ये थी कि सरकारी कर्मचारी ही नहीं बल्कि आम लोग भी हैं, और इसलिए आप जो यहाँ पर आज भीड़ देख रहे हैं, मेले जैसा वातावरण देख रहे हैं, इसका कारण ये है कि इसमें सिर्फ हमने शासकीय कर्मचारी नहीं बल्कि आम लोगों को भी जोड़ने की कोशिश करी है। जितना उत्साह लोगों में हम लोग भर सकेंगे वोटिंग के लिए, और हम चाहेंगे कि कंटिन्यूस निरंतर ये उत्साह बना रहे और लोग 12 मई को अपने मतदान का जो अधिकार है उसका इस्तेमाल करें। और इसके अलावा सर जिले में क्या गतिविधियाँ स्वीप प्लान? इसके अलावा स्वीप प्लान के अंतर्गत जिले में निरंतर कुछ ना कुछ गतिविधियाँ चल रही हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही हैं। जैसे अभी हम आगे ऑटो रैली का आयोजन कर रहे हैं, साइकिल रैली का आयोजन कर रहे हैं। मूल बात यह है कि निरंतर लोगों में एक उत्साह बना रहे और 12 मई के लिए लोग मानसिक रूप से तैयार बने। जिला प्रशासन के माध्यम से निर्वाचन आयोग के जो भी निर्देश हैं उनके क्रम में व्यवस्था करी जा रही है। पानी के लिए, छाया के लिए, वेटिंग लाउंज के लिए, बच्चों के लिए एक अस्थायी झूलाघर के लिए, ये सब व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं।